हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस वर्ड को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन में आप टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ, ऑब्जेक्ट को एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कलरिंग, लेटर टाइप करना, फाइल क्रिएट करना, मेल मर्ज इत्यादि बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड ओपन करने के टोटल 5 रूल्स को बताऊंगा, जिसमें हमारा सबसे पहला तरीका है लॉन्ग प्रोसेस, सेकेंड रन कमांड, थर्ड कमांड बॉक्स के द्वारा, चौथा कीबोर्ड शॉर्टकट की के द्वारा और पांचवा डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर एमएस ऑफिस ओपन करना। ये पांचों मेथड आज आप विंडो 8 में सीखेंगे। बेसिकली ये पांचों मेथड सभी विंडो में सेम तरह से ऑपरेट होते हैं, बस थोड़ा सा लुक वाइज ऑप्शन चेंज रहे। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से एमएस वर्ड को ओपन करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल और कंप्यूटर कोर्स के वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बता दूं आप किस तरह अपने पीसी या लैपटॉप में एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड है लॉन्ग प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले आपको विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे ही आप माइक्रो टाइप करते हैं, आपके सामने सबसे फर्स्ट में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शो कर। सिंपली आप इस पर क्लिक कर आसानी से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सर्च बार में अगर विनवर्ड भी टाइप करते हैं, WINWORD, तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा हमारा सबसे पहला मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा, इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। विंडो और आर, जैसे ही विंडो आर प्रेस करते हैं, आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ओपन के सामने वाले ब्लैंक बॉक्स में विनवर्ड टाइप करना है। विनवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो हम अपने नेक्स्ट मेथड जो है कमांड के द्वारा, इसके लिए सिंपली आपको विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सर्च बार में टाइप करना है CMD। जैसे ही CMD टाइप करते हैं, आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन शो करेगा। सिंपली आपको इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो ओपन हो गया है। इसमें आपको उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं स्टार्ट और उसके बाद हम टाइप करते हैं विनवर्ड। स्टार्ट स्पेस विनवर्ड और सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं एमएस वर्ड ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस कमांड प्रॉम्प्ट के विंडो को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां पर क्लोज बटन से भी कर सकते हैं और यहां पर एग्जिट टाइप कर इंटर प्रेस जैसे ही करते हैं, ये विंडो ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब अपने फोर्थ मेथड जो है शॉर्टकट की के द्वारा, उसके थ्रू हम एमएस वर्ड ओपन करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी एप्लीकेशन का अपना शॉर्टकट की नहीं होता। अगर आप उस एप्लीकेशन को शॉर्टकट की के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है विनवर्ड। जैसे ही आप विनवर्ड टाइप करते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शो कर रहा है। सिंपली आपको इस पर माउस का लेफ्ट नहीं राइट की प्रेस करना है। जैसे ही राइट की प्रेस करते हैं, आपके सामने यहाँ पर सबसे नीचे ओपन फाइल लोकेशन ऑप्शन शो कर रहा है। सिंपली आपको इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। जैसे ही माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट के वो सारे एप्लीकेशन शो करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर राइट की प्रेस करना है
और सबसे नीचे प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का विंडो ओपन हो गया है। इसमें आपको शॉर्टकट ऑप्शन में जाके शॉर्टकट की के सामने वाले डायलॉग बॉक्स में अपना शॉर्टकट की क्रिएट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नन शो कर रहा है। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से ए टू जेड 26 अल्फाबेट लेटर में से कोई एक लेटर चूज कर लेना है जिस लेटर से आप एमएस वर्ड का शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं W। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने W प्रेस किया कंट्रोल और अल्ट खुद से फिल हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जैसे ही आप अगर शॉर्टकट की के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट या W या अल्ट कंट्रोल W प्रेस करना होगा। इसके लिए सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा एमएस वर्ड का शॉर्टकट की क्रिएट हो गया है। चलिए हम शॉर्टकट की के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और W प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा शॉर्टकट की के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन करना। अब फ्रेंड्स अब अपने नेक्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर एमएस वर्ड के एक नए फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने माउस के राइट की को प्रेस करना है और यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाना है। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाइएगा तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन शो करेंगे। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। सिंपली आपको इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस कर देना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट का एक आइकन शो कर रहा है। सिंपली आपको अगर इस डॉक्यूमेंट का नेम चेंज करना है तो आप सिंपली राइट की प्रेस कर रीनेम में जाकर इस एप्लीकेशन का नाम इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्क करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा एमएस वर्ड एप्लीकेशन को टोटल 5 तरीकों से ओपन करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आप हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।